kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी भाई साहब, कौन से कबूतर को शौक करवा रहे हैं? हमारे मिस्से कबूतर हैं, लाल आंखों वाले। लाल आंखों में इनके कोई हिस्ट्री बताइएगा कहाँ? ये खुद भी शाम तक उड़ा हुआ है ये कबूतर जो है। तो ये कौन सी छत पे आप शौक करते हैं? ये हमारी अपनी छत ही है, अपनी छत। घर पे छोड़ते हैं तो ये घर पे शाम तक बैठा हुआ है, तकरीबन कोई 6-7 बजे तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, इनके मिस्से कबूतरों को शौक करवाएं आपको। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाएगा। माशाल्लाह जी, आंख दिखाएगा। दूसरी आंख दिखाएगा। असि भी होर बहाते नो बहाए नहीं। माशाल्लाह, पंजा दिखाएगा। माशाल्लाह, बंदर दिखाएगा जी। जी नाजरीन, आज आपको हमने दिखाए साजिद भट्ट साहब और वाजिद भट्ट साहब के कबूतर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आइए इनसे जरा थोड़ी गपशप करें और फिर आपसे इजाज़त मांगेंगे। अच्छा भट्ट साहब, बताइएगा कि आप कितने भाई इसमें शौक करते हैं? भाई भतीजे, टोटल घर की कितनी फैमिली मेंबर्स हैं जो कबूतरबाजी का शौक करते हैं आपके साथ? हम भाईजान 6 भाई हैं और सभी को यही शौक है, एक ही शौक है। और 2 भतीजे हैं, वो उनको भी यही शौक है। मतलब एक ही शौक रखा हुआ, बस घर में ही रहते हैं। और ये अपना जो जोड़े शोड़े का ब्रीडिंग कराने का शौक है। और ये जुहेब है, इसे को आजकल उड़ाने का शौक चला हुआ, ये बस उड़ा रहा है कबूतर। सही, यानी कि उड़ाने का शौक भी साथ साथ चल रहा है। हाँ जी, बस वो घर के ही हैं, वही छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अच्छे टेम्परेचर में कबूतर उड़ रहे हैं। यानी कि उड़ा के टेस्ट भी हो गए, इसी बहाने बच्चे का शौक भी पूरा हो गया है जी। अच्छा, तो जरा तारुफ जरा कराइएगा। मेरे राइट साइड पे जो भाई बैठे हैं, ये आपके बड़े भाई हैं, क्या नाम है इनका? ये बाबर भट्ट साहब हैं, उस्ताद बाबर भट्ट साहब। उस्ताद बाबर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह। तो आप क्या जॉब क्या कर रहे हैं? आप काम क्या है, रोजगार क्या है? मेरा होलसेल बिस्किट का काम है।
बिस्किट का काम। हाँ जी, तो कबूतरबाजी का शौक चल रहा है साथ साथ? बस ये भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है छुट्टी वाले दिन। सही, तो इनके साथ फिर बच्चों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, दोस्त आ जाते हैं, सबके साथ मिलके भी शौक हम भी कर लेते हैं। सही, अच्छा टाइम छुट्टी वाले दिन। सही, अच्छा जी, आप जो मेरे पीछे खड़े हैं इनके बारी बारी इंटरव्यू कराएं, राइट साइड पे से शुरू हो जरा, सबसे राइट पे। ये है जी, दोस्त है मेरा शान। शान, शान ये दोस्त है, इसको शौक रखते हैं। हाँ, शौक रखते हैं, बस दो चार जोड़े ये भी लेके गया हुआ, बच्चे बुच्चे निकलवा के ये भेजता है तो इधर ही छोड़ देता, बच्चे ये उड़ाते हैं हम। सही, फिर तो अच्छा दोस्त हुआ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम जी। शान साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कहाँ पे रहिशे आपकी? मेरी लाइफ शैला चौक में है। चौक किस जगह पे? बुचरहाने के साथ, शालामार की बैक साइड पे। सही, तो कितना अरसा हो गया आपको भी शौक करते हुए? मुझे भी तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं साजिदवाड़ साहब के साथ शौक करते हुए। अच्छा, सही है। अच्छा जी, इनके साथ आपके भाई खड़े हैं, इनका नाम क्या है? ये जी वाजिद भट्ट साहब है, उस्ताद वाजिद भट्ट साहब। अच्छा, ये भी उस्ताद। अच्छा, वाजिद भट्ट साहब भी उस्ताद है माशाल्लाह। ये लाला फरीद खान साहब के जो दफ है ना, उसके उस्ताद हैं ये। उसमें उस्ताद? हाँ जी, उसमें उस्ताद हुए ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। और आपका क्या काम है जी? मैं बस इलेक्ट्रोपेटिंग का काम करता हूँ। यहाँ पे करीब ही कहीं? हाँ जी, नज़दीक ही है। नज़दीक, तो क्या फीलिंग्स आती हैं शौक में, क्या मज़ा आता है? एक ही शौक रखा हो जी, सारे भाई भी बैठे होते हैं इकट्ठे, दोस्त भी आ जाते हैं, ना हम बाहर जाते हैं ना को हमें कोई ज़रूरत पड़ती कहीं पे जाने की, अपने घर में ही शौक करते हैं, अच्छा टाइम गुजर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, इनके साथ जो खड़े हैं? ये जी अनवाड़ो इलाके का दोस्त है, ये भी भतीजा ही है हमारा, ये भी जी जोहेब का दोस्त है और हमारा भतीजा ही है, और जोहेब और ये बस मिल के उड़ाने वाला शौक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों मिल के शौक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, फिट फाट। तो आप यहाँ पे कहीं करीब ही रहते हैं? जी करीब ही रहता हूँ, मिस्री शाह में रहता हूँ, करीब ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, जी बट साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शागिर्द किसके हैं? मैं उस्ताद अला जमान साहब हैं, उनके उनका शागिर्द हूँ मैं। अच्छा, यानी कि साजिद भट्ट साहब और यानी कि चाचा और भतीजा दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी रिसेंटली शादी भी हुई है अभी? जी जी बिल्कुल। तो फिर किस तरह मतलब टाइम दे पा रहे हैं आप शौक को? टाइम तो देखिए निकल ही आता है, बंदे को काम शाम भी काफ़ी होता है, लेकिन ये है कि हम शौक के लिए भी अपना टाइम निकाल ही लेते हैं। माशाल्लाह, जॉब पे भी जाना होता है, निकल आता है टाइम कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा अपनी जरा कबूतरबाजी की हिस्ट्री तो बताएं हमारे दोस्तों को, कि भाई कबूतरबाजी की हिस्ट्री क्या है, इस घर में कबूतर कैसे आए, कहाँ से शुरू हुए? कबूतर तो मेरी पैदाइश से पहले के हैं कबूतर, ये हमारे पास तकरीबन समझ लें कुछ 40 साल पुराने जो कबूतर हैं ना, ये आ रहे हैं बड़े भाइयों के पास थे, वही ब्रीडर कबूतर हैं और वही आ रहे थे। अब आके जो मैं जब शागिर्द हुआ हूँ अपने उस्ताद लाला जमान साहब का, तो टोटल जो है ना मेंटेन वही कर रहे हैं, वो जोड़े लगाते हैं, वही वो मतलब जो रोकने होते हैं वो बता देते हैं कि बच्चे ये रख लो और ये उड़ा लो, तो बस टोटल मेंटेन वही करते हैं, साथ में ये बड़े भाई हैं, इनके साथ सलाह मशवरे भी ये चलते रहते हैं, तो बस ऐसे ही कबूतरबाजी चल रही है। यानी कि लास्ट 40 ईयर से आपके घर में कबूतर हैं? हाँ जी हाँ जी जी जी। तो शुरुआत किसने की है? ये बड़े भाई हैं, जोहेब के वालद साहब हैं खालिद साहब, वो उनको और ये साथ में बैठे हैं बाबर भट्ट साहब, इनको इन्होंने फिर कबूतर वो जो बढ़ाए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, वो कुछ कम भी किए हैं, लेकिन अब भी माशाल्लाह तादाद बहुत ज़्यादा तादाद है हमारे पास कबूतरों की। माशाल्लाह, जेब भट्ट साहब आपको तो विरासत में कबूतरबाजी मिली है फिर। अच्छा भट्ट साहब, आप सबसे बारी बारी एक सवाल कर रहे हैं, एक ही सवाल है और सबसे करना है, कि हमारे एक दोस्त हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, वो होते हैं जी यहाँ पे कतर में, और उन्होंने एक सवाल किया था, मैंने कहा जी मैं तो अपनी तरफ से जवाब दूंगा, एक बंदा जवाब देगा, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे सवाल करूँगा, आपको मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अपना लाहौर में, लाहौर के अंदर सात बाजियों की हिस्ट्री क्या है, कब से आप उड़ती देख रहे हैं सात बाजियाँ लाहौर के अंदर? हम तो तकरीबन देख ले, मैं मतलब मुझे जो शौक था ना, मुझे ब्लीडिंग का शौक है, जोरों का शौक है, लेकिन ये बड़े भाई शो देखने जाते होते थे, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी की बाजी जब वो टेम्परेचर में शाम तक, तो सबसे पहले उन्होंने कबूतर बिठाने शुरू किया। कितने साल पुरानी बात है ये? और तकरीबन ये कुछ 20-25 साल तो हो गए इस बात को भी, और साथ में ये मैरों की बाजियाँ उड़ती थी, 25-30 साल हो गए होंगे साथ में इनके साथ मैरी मैरों की बाजियाँ उड़ती थी, तो वो बड़े टेम्परेचर होते थे, अब तो वो टेम्परेचर ही नहीं रहे, जो वो टेम्परेचर होते थे तो शाम तक बाजियाँ उड़ती थी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भट्ट साहब, आप बताइए कि आपके तजुर्बे के मुताबिक कितना अरसा हो गया आपको देखते हुए कबूतरबाजी में सात बाजियाँ,
सात बाजियों का शौक जो है लाहौर के अंदर, वो कितना अरसा हो गया? मुझे 30 साल हो गया तकरीबन, 51 मेरी एज है माशाल्लाह, और 30 साल हो गए तकरीबन देखते शौक, तो अब बहुत फास्ट है। हाँ जी वो तो है, अब तो जो 8 बजे भी बिठाता वो कहते हैं 9 बजे बिठा देगा वो। कबूतर भी बहुत फास्ट हो गए और आगे वो उनकी अद्वियात जो है वो भी बड़ी, वो भी फास्ट हो गई, बिल्कुल ऐसे जी। वाजिद साहब आप बताइए, आपके नजर में कबूतरबाजी में लाहौर के अंदर सात बाजियों की क्या हिस्ट्री है? तकरीबन यही 35-40 साल हो गए इनको उड़ते हुए सात बाजियां, और काफी अच्छे उस्ताद से पहले, पहले तो ये कबूतर होता था ना दो दो तीन तीन साल चार चार साल उड़ता था, अब कबूतर इतनी फास्ट हो गई एक साल उड़ता है अगले साल कबूतर नजर ही नहीं आता कि ये पिछले बाजी उड़ा हुआ है। पहले तकरीबन 5 साल 6 साल 7 साल कबूतर उड़ते थे जेठ की बाजियों में, और टेम्परेचर भी अच्छा होता था वो, पहले जो है ना पहले चलता था देसी काम सारा जी, अब अंग्रेजी काम ने ना काफी काम खराब किया हुआ। अच्छा मेरा मकसद ये था बात करने का कि बस मुझे हिस्ट्री मैं बता सकूं अपने उन दोस्त को जिन्होंने सवाल किया कि ये कितना अरसा हो गया। आप बता रहे हैं कुछ 40-41 साल से आप देख रहे हैं कि भाई इतना अरसा हो गया आपको कबूतरबाजी देखते लाहौर में सात बाजियां जी। नाज़रीन अब ये बात और दोस्तों से भी क्लियर करवा दी है मैंने कि लाहौर की सात बाजियों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, नई नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी दोस्त भाई को इन्फॉर्मेशन है कि जी 2-4 साल या 10 साल 15 साल की बात है तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। लाहौर में अभी तक मैंने जिनसे भी सवाल किया उन्होंने यही जवाब दिया कि जी जब से हम कबूतरबाजी कर रहे हैं हमने यही देखा है कि जी सात बाजियां उड़ रही हैं। वो उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते, लेकिन उन्होंने उड़ती देखी है उस्तादों की, बड़े उस्तादों को सात बाजियां उड़ाते देखा है। जी नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें ताकि हम आपकी ज़हन के मुताबिक आपको कबूतर दिखा सकें, हमें पता चल सके कि आप किस तरह के कबूतर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल अपने दोस्त अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।